हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ जो हमारा इलेक्ट्रिकल मीटर होता है उसमें सीटी है, करंट ट्रांसफार्मर। जो सीटी होती हैं उसकी वायरिंग कैसे करते हैं उसके बारे में कुछ डिटेल्स, उसके कनेक्शन के डायग्राम्स, ये सभी के बारे में आपको बताने वाला हूँ। और दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए और बेल का बटन दबाइए ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। और दोस्तों, आपसे शुरू करने से पहले हम कि जब भी आप वीडियो देखें तो अंत तक देखें ताकि आपको हर एक एक टिप्स समझ में आ सके। तो चलते हैं दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरा एनर्जी मीटर है, 3 फेज का है। इसके कुछ ये डायग्राम दिखाया गया है, इसमें किस प्रकार से हमें सीटी लगानी है, कहाँ पे हमें फेज लगाने, वो सभी चीज आपको मैं बताऊंगा। इसके आगे ये सीटी का है, ये फुल फॉर्म है, तो होती है करंट ट्रांसफार्मर होती है। जो ये सीटी दिखाई गई मैंने, ये दो, इसके आगे डिटेल भी आपको बताऊंगा मैं। ये इनका वायरों का मतलब कैसे है, क्या है, वो सभी चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। हर एक एक टिप्स आपको बताऊंगा मैं कि किस प्रकार से आपको क्या करना है। इसकी फुल फॉर्म के करंट ट्रांसफार्मर है। और ये मैंने सीटी है, ये हमारी, इसकी मैं डिटेल दिखाई है। हाँ, तो दोस्तों, इसमें ये मैंने दिखाया गया, एक रेशियो दिखाया गया है 100 × 5 ही। तो इसका क्या लॉजिक है वो मैं आपको बता देता हूँ, इसके पीछे क्या कारण है इसका दिखाने का मेरा। और देखो, पूरी डिटेल मैंने ये इसमें दिखाई गई है, ये आप डिटेल देख सकते हैं, लेकिन मैंने यही एक अलग लिखा है। इसके पीछे क्या बात है वो मैं आपको बताता हूँ, इसका मतलब क्या है कि हमें 100 × 5, तो 100 × 5 आपने सीटी ले रखी है। तो इसी के साथ आपको मीटर है, हमारा एम्पेयर मीटर होता है, वो भी आपको क्या करना है, 100 × 5 का ही लेना होगा। इस बात का आपको विशेषकर ध्यान रखना है। अगर यदि उससे कम बत्ती का लोगे तो हो सकता है आपकी सीटी उस पे काम ना करे, तो इसलिए इस बात का विशेषकर ध्यान रखना है। यदि आपके पास एम्पेयर मीटर है तो ऑलरेडी उसमें कितने का क्या लिखा हुआ है, या तो वो डिटेल लेकर आप एम्पेयर मीटर लें, या फिर आप सीटी है आपके पास तो सीटी में देखो यहाँ भी लिख रखा है 100 × 5 ए, तो इसलिए मैंने ये अलग लिखा है 100 × 5 ए। इसी को देखकर आपको एम्पियर मीटर है वो लेना है, इस बात का आपको विशेषकर ध्यान रखना है। उसी पे ही ये सीटी हमारी काम करेगी। और आगे मैं आपको कुछ डिटेल और दिखाता हूँ इसकी में। ये अभी सीटी में भी कुछ इसमें नंबर ऑफ कोडिंग दी गई है दोस्तों। नंबर ऑफ कोडिंग बाहर का सिरा होता है, ये कोर होता है हमारा, और इसमें P1 और P2, P1 एक साइड में और अंदर की साइड में P2 है, जैसे यहाँ इसमें दिखाया गया है। और यहाँ पे देखो एक नंबर और दिखाए गए हैं, इसमें S1 और S2, S1 और S2, ये रेड और ब्लैक वायर आप देख पा रहे हैं। और किसी में आपको वायर नहीं भी मिलेंगे सिटी में, किसी किसी सिटी में आपको वायर मिलेंगे, और किसी सिटी ऐसी होती है जो वायर नहीं है, सिर्फ यहाँ कनेक्टर होते हैं, थिम्बल जो हमारे टर्मिनल्स होते हैं वो मिलेंगे आपको। तो ऐसा भी हो सकता है, ये सिटी आपको कई डिजाइन में मिल जाएंगी, बहुत सी प्रकार की होती है सिटी। तो इसलिए इसमें मेरे पास अभी वायर है इसमें रेड और ब्लैक, तो हमारा S1 और S2 मिलेगा, और इसको लगभग हम सेकेंडरी वाइंडिंग इसको मानेंगे। ठीक है दोस्तों, और आगे इसमें क्या क्या वायरिंग कैसे होती है, इसे कनेक्शन कैसे, ये पूरा डायग्राम आपको बताने वाला हूँ। हर चीज एक एक टिप्स का आप ध्यान दीजिए इसमें। और इस P1 और P2 का भी एक मतलब है इसमें, P1 का क्या मतलब है, P2 का क्या मतलब है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और S1 S2 का भी इसमें मतलब है, ये सिर्फ मैं अभी आपको दिखाया कि S1 S2 है होते हैं, और P1 P2 भी इसके अंदर सी साइड में P2 मिलेगा आपको। अब ये मैंने देखो इंस्टॉलेशन में से उसको हम लगाते समय क्या क्या करेंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हम कैसे लगा रहे हैं उसको, किस बात का क्या मतलब है, ये सभी चीज आपको ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, देखो मैंने L1, L2, L3, ये 3 फेज के लिए मैंने 3 सीटियां ली गई हैं। यहाँ भी आप देख सकते हैं 3 सीटी मेरे को आपको देख पा रही हैं। तो यहाँ मैंने 3 सीटी दिखाई गई हैं। L1, ये मैंने आपको तीर का निशान, इसका क्या कारण है ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ, इसका क्या लॉजिक है।
जो तीर मैंने इस तरफ ही लगाया है, और ये नीचे S1 और S2 आपको दिखाए गए हैं। ये देखो, ये मैंने तीर का निशान दिखाया, इसके मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारा R फेस है, ये Y और ये B फेस दिखाया गया मैंने, L1 L2 L3, क्योंकि 3 फेस ही की इंस्टॉलेशन हम बता रहा हूँ मैं सीटी की। और ये हम पहले वाले फेस दिख रहा हमको, इसको हम प्राइमरी मान लेंगे, और ये हमारा है सेकेंडरी, क्योंकि आपने देखा होगा ट्रांसफार्मर हमारे प्राइमरी से लेते हैं और सेकेंडरी में हमें मिलती है, प्राइमरी में हम दे देते हैं उसको और सेकेंडरी में हमें मिल जाती है। तो इसी प्रकार हम प्राइमरी, इसको जो हमारा फेस होता है उसको हम प्राइमरी मान लेंगे, और सेकेंडरी में हमें इसका लोड होता है एम्पियर, वो हमें मिल जाएगा। और S1 S2 का क्या मतलब है? इसमें दोस्तों दो वायर होते हैं, जो टर्मिनल मान लो, या वायर होते हैं, किसी में वायर लगे होते हैं किसी में टर्मिनल, तो S1 S2 के हिसाब से ही आपको लगाना है। और ये P1 और P2, यहाँ अभी फिलहाल आपको P1 दिख रहा है और मैं P2 भी आपको दिखाऊंगा, इसके बैक साइड में P2 मिलेगा आपको। तो P1 का क्या मतलब है, ये एक विशेषकर आपको ध्यान रखना है। P1 से हमें क्या मतलब, P1 से आपका मतलब है दोस्तों कि इसमें हमें P1 से होकर आपको वायर गुजारना है, जो वायर हम लेंगे वो P1 से, और P2 के हमें आउटपुट वो उधर मिलेगा, जो P1 से हम इनपुट ले लेंगे और P2 की तरफ आउटपुट हमारा एनर्जी मीटर होता है उसमें चला जाएगा। इस बात का ध्यान रखना, तीर हमने दिया है तो यहाँ से ये इन हुआ, इसमें ये इन होकर यह P2 की तरफ आउट होगा ये, तो इस बात का विशेषकर आपको ध्यान रखना है जब हम CT लगाएंगे, तो इस बात का एक आपको ध्यान रखना है। सिर्फ हम P1 से ही एंट्री करें, वायर जो हमारा होगा RYB फेस के, तो P1 की तरफ से एंट्री करेंगे, जो मेन हमारा ये केबल मान लो आई है बाहर से, तो ये इस तरफ से एंट्री करके इसमें, और P2 की तरफ हमें चली जाएगी, और P2 वाला वायर है वो हमारा एनर्जी मीटर में चल जाएगा, लगा देंगे। तो ये सभी चीजों का आपको ध्यान रखना है। और इसमें अभी हमारा मीटर होता है उसमें वायरिंग कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से वायरिंग करनी है। हाँ, तो दोस्तों अब मैं आपको वायरिंग इसका डायग्राम दिखा देता हूँ एक बार। ये देखो मैंने इसका वायरिंग डायग्राम बनाया है, तो कुछ ये आपको इसमें स्पष्ट नहीं दिख पा रहा होगा, इसलिए मैंने ये अलग से बनाया है। इसमें 1 से लेकर 10 तक और 11 से लेकर 20 तक ये कुछ नंबर दिए गए हैं, और यहाँ मैंने इसमें RYB और न्यूटन ये फेस दर्शाए गए हैं, जो इस डायग्राम में हमारे को दिखा रखे हैं, तो वो ही मैंने यहाँ पे दर्शाए गए हैं। तो ये क्या है इसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ। S1 और S2, ये हमारे S1 S2 क्या चीज है, ये हमारे CT के वायर होते हैं, जो देखो ये नीचे मैंने लगा रखे हैं, ये टर्मिनल आपको दिख पा रहे होंगे, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, इसमें देखो आप दो वायर दिखाए गए हैं, 2 2 4 2 6, तो इसी प्रकार मैंने ये दो वायर यहाँ दिखाए, 2 ये 2 ये, 6 वायर मैंने दिखाए गए हैं। तो इसमें दोस्तों आपको S1 और S2 मिलेगा। तो S1 और S2 का क्या मतलब है, ये हमारे CT के वायर हैं, तो आपको ध्यान रखना है वायरिंग करते समय कि जो S1 और S2 है उसी वायर में ही हम CT लगाएंगे, हमारा CT के वायर है उसमें भी आपको S1 और S2 मिल जाएगा। तो इस बात का आपको विशेष का ध्यान, S1 और S2 का जो CT में भी आपको वायर मिलेंगे S1 और S2, तो S1 के स्थान पर S1 लगाइए और S2 की जगह S2 लगाइए। तो सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है। ये देखो ये मेरा रेड वाला है तो ये S1 है, जो ब्लैक यहाँ दिखाया गया है ये देख पा रहे हैं आप, ये ब्लैक वाला, तो ये S2 है हमारा, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार फिर आगे मैंने S1 और S2 दिखाया है, तो ये देखो रेड वाले में S1 है और ये ब्लैक वाला S2 है, और ये तीसरे नंबर पे ये हमारा S1 है S2 है, ये देखो हमारा नीचे वाला देखा ये R फेस में लगा है, फिर ये Y फेस के लिए है और ये B के लिए है, ये तीनों फेस के लिए हमारे 3 CT लगाई गई है, तो ये 6 हमारे वायर है टर्मिनल पे, आप देख पा रहे हैं 6 वायर हमने कनेक्ट कर दी है। तो इस प्रकार से आप भी हमारे जो आपका मीटर होगा उस पर कनेक्ट कर दीजिए, जो एम्पियर मीटर होगा, उसके बाद में आप देख पा रहे हो ऊपर 1 2 3 4 और 9 10, आपको 1 2 3 पे आपको क्या करना है, RYB फेस लगा देना है, वो 4 और 9 पे न्यूटन लगाना है, फिर 10 नंबर आप देख पा रहे हैं, 10 नंबर पर आपको एक फेस के लिए लूप कर देना है। तो इस बात का आपको आपको ध्यान रखना है। 10 नंबर पे मैंने ये फेस दिखाया गया, यहाँ पे ये P लिखा मैंने फेस के लिए लिखाया गया, ये वायर मैंने दिखाया गया यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से, तो ये मैंने दिखाया गया। तो इस प्रकार से आप देखकर आपने इस डायग्राम को और आपके CT की वायरिंग कर सकते हैं।
आशा करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मैं आपके लिए नई वीडियो लेकर हाजिर हूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।